आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पुरानी वीडियो पे आप लोग व्यूज कैसे ला सकते हैं, क्योंकि आपने एक नहीं बहुत सारी वीडियो डाल दी लेकिन किसी भी वीडियो पे व्यूज नहीं आया। आज की वीडियो में ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूं आपकी पुरानी जो वीडियो है, जो आपने एक साल पहले, 15 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले वीडियो अपलोड की है, उस पर आपके चाहे 0 व्यूज हो उसके बाद भी आपके वीडियो पे व्यूज आएंगे। मैं इसकी गारंटी आपसे अभी लेता हूं। यहां पर आप लोग साइड पर देख लीजिए, यहां पर देखिए जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ये बिल्कुल डाउन वीडियो थी और मैंने इस वीडियो को लगभग 1 साल पहले अपलोड किया था, लेकिन अभी आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये वीडियो आप लोग देख लीजिए अचानक से इस जगह पर बूस्ट हुई। कैसे बूस्ट हुई? क्योंकि इसको मैंने बूस्ट किया, तरीका बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान रखना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भैया बताएगा SEO कर दो, थंबनेल बदल दो, टाइटल बदल दो, अरे ये सब फर्जी वड़ा नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, वो चीज बताने वाला हूं जिससे मैंने अपने वीडियो पे व्यूज लाए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने एक बार फिर यहां पर इस वीडियो को बूस्ट किया, ठीक है, बूस्ट किया मैंने इस वीडियो को, और एक बार मैंने यहां पर इसको बूस्ट किया, और उसके बाद अभी मैंने हाल में ही इसको यहां पर बूस्ट किया। आप लोग देख सकते हैं एक वीडियो को मैंने तबाही लेवल पे व्यूज किया और जिस वीडियो पे खींच करके 200-250 व्यूज थे, आज की डेट पर उस वीडियो पे 10,000 से भी ऊपर व्यूज है। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया और अभी भी इस वीडियो पे तबाही लेवल पे व्यूज आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा बैक करता हूं, ठीक है, और आप लोग को थोड़ा सा इसका एनालिटिक्स दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर देख लीजिए सब कुछ ग्रीन है, मतलब श्योर है कि ये अभी भी व्यूज आपको दे रहा है, मतलब मुझे दे रहा है, ठीक है। और कुछ चीजें दिखा देता हूं, इससे पैसे तो बन ही रहे हैं, साथ ही साथ मैं आपको इसका इंप्रेशन दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए इस वीडियो का इंप्रेशन 4 लाख से ऊपर पहुंचा है। कैसे पहुंच गया, क्या मैंने किया, और मैं ये चीज अपने पुराने कई वीडियो पे कर चुका हूं। एक और वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं जिस पर मैंने ये तरीका अपनाया था और मैं तो भैया इस तरीके को लगातार अपनाऊंगा, बिलीव कर लीजिए, ठीक है, बिलीव कर लीजिए मैं इस तरीके को लगातार अपनाने वाला हूं। मैंने और किस में अपनाया था मैं आपको दिखा देता हूं, पॉपुलर पे जाता हूं, वो वीडियो तो और पॉपुलर हुई है, दिखाते हैं, देखिए ध्यान से कहां गई वो वीडियो, बस एक मिनट दोस्तों रुकिए, ये रही वीडियो दोस्तों, ये दोस्तों वीडियो है जिस पर मैंने इस ट्रिक को लगाया था, जो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है, कोई SEO नहीं करना, जो तरीका बताऊंगा उसको ध्यान देना बस, और ये तरीका कोई तुमको नहीं बताएगा, इस बात को मैं तुमको अभी बोले देता हूं। कोई अगर तुमको लगे ना कि ये तरीका तुमको पहले किसी ने बताया है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो ये वीडियो देखिए, इस वीडियो पे अब तक 96,000 व्यूज आ चुके हैं और आप लोग देख लीजिए ये वीडियो टोटल डाउन था। आप सिर्फ ग्राफ देखिए, ये देखिए ग्राफ, पूरी वीडियो लेटी हुई थी, मतलब एक भी व्यूज नहीं आ रहा था। सोचिए मैंने इसको यहां पर बूस्ट किया, देन कितनी तबाही लेवल पे व्यूज आया, ठीक है। उसके बाद मैंने इस वीडियो को एक बार यहां पर बूस्ट किया, तबाही लेवल पर व्यूज आया, और यहां पर फिर मैंने एक बार फिर बूस्ट किया, तबाही लेवल पर व्यूज आया, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर अभी भी ये वीडियो व्यूज दे रही है और अब तक इस वीडियो पे 96,000 लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है। इंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो का रीच कितना गया है, मतलब कितने लोगों को यूट्यूब ने वीडियो भेजा है, 1.2 मिलियन, कितना होता है पता है, 12 लाख लोगों को यह वीडियो यूट्यूब ने भेजा। कैसे भेजा, क्या मैंने किया, कौन सा ऐसा तरीका अपना दिया, वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, मेरी चीजों को अप्लाई करना अपने चैनल पे, क्योंकि भैया आप लोग गलती क्या करते हो, चीजें तो जान लेते हो लेकिन अप्लाई नहीं करते, क्योंकि आपके माइंड में संदेह रहता है कहीं ऐसा तो नहीं भैया तरीका गलत हो, क्योंकि आज तक आपको सबने क्या बताया, पुरानी वीडियो पे भैया व्यूज लाने हैं तो SEO कर दो, है थंबनेल बदल दो, टाइटल बदल दो, डिस्क्रिप्शन बदल दो, टैग बदल दो, ये सब कुछ नहीं करना, ये सब करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये चीज मैंने खुद अपने कई वीडियो पे की लेकिन कोई फायदा नहीं किया। लेकिन जो तरीका अब मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके को जब मैंने अपने वीडियो पे अप्लाई किया, देन इतना तबाही लेवल का रिजल्ट दिखा। तो भैया ये रिजल्ट हवा में नहीं दिख गया, तरीका बिल्कुल सटीक लगा दिया जिस वजह से सारी चीजें हुई। मैंने कई वीडियो पे तरीका लगाया है और अब तो मैं रेगुलर ये तरीका अपने कई वीडियो पे लगाऊंगा, क्योंकि भैया 100% एक बात तो श्योर है कि तरीका अगर आपका सही हुआ तो व्यूज आपका 100% आना चाहिए। क्योंकि भैया ट्रिक का मतलब क्या होता है, आपने उस ट्रिक को लगा दिया और काम करने लगा, है ना। तो मैं आपको वही चीज बता, और रिसेंट मैं आपको बिल्कुल 100% बता रहा हूं, इस तरीके को लगाते ही आपके वीडियो पे व्यूज आना चालू होगा, मैं इसकी गारंटी आपसे लेता हूं, बिलीव कर लेना। अगर लगे ना किसी जगह पर कि मैंने आपको ऐसा तरीका बताया जो फेक है, जो काम नहीं करेगा, मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, तो मेरे भाई चैनल को मतलब अनसब्सक्राइब करके वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना,
और एक कमेंट बिल्कुल गरियाते हुए डाल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिलीव कर लो मेरे भाई, तरीका वो बताने वाला हूँ जो रियल में तुम्हारे चैनल पे काम करेगा, तुम्हारा चैनल बूस्ट करेगा, तबाही लेवल पे बूस्ट करेगा। ठीक है, क्या तरीका है बिल्कुल ध्यान से देखिए, सारी चीजें बताता हूँ। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब पर जाता हूँ। ये भैया मैंने अपना यूट्यूब ओपन किया है, यहाँ पर जाता हूँ और एक एक चीज को मेरे भाई प्लीज यार रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि पूरी चीज को देख लेना यार, क्योंकि अगर तुमने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो मेरे भाई तरीका सीख नहीं पाओगे और फिर भैया परेशान रहोगे और व्यूज भैया वही आएगा जो तुम्हारा अभी आ रहा है। ठीक है, होली के समय में वीडियो बना रहा हूं तो मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देख लो यार, भांग खाए हो मुझे पता है, लेकिन उस चीज को भूल जाओ, अब सिर्फ यूट्यूब पर काम करो जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या करना है, मैंने अपना यूट्यूब ओपन किया है और मैं आपको दिखाता हूं अपने चैनल पर जाकर। ठीक है, मैं अपने चैनल पर गया, यहां पर मैंने अपना चैनल ओपन कर लिया है। ठीक है, पहला तरीका कौन सा है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए ये वीडियो है जो मैं आपको पहले वीडियो दिखा रहा था, ये चैनल जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे आपको ये वाली वीडियो दिख जाएगी और इस वीडियो को मैंने अपने चैनल के पेज पर लगाया हुआ है और आपको भी यही करना है। आपको क्या करना है, हर हफ्ते अपने चैनल के जो पेज में एक वीडियो लगाई जाती है उसको आपको बदलना है। मतलब सिंपल वर्डों में बोले आप लोग का भी चैनल बिल्कुल नॉर्मल होगा। आपको अपने चैनल को इस तरीके से कस्टमाइज करना है, यानी चैनल का कस्टमाइजेशन करना है जिसमें आपके चैनल पेज पर एक वीडियो रिकमेंड होगी। अब इससे भैया क्या होगा बिल्कुल ध्यान समझना, जैसे ही आपने क्या किया अपने चैनल पे पेज पे एक वीडियो यहाँ पर सेट कर दी तो जो भी व्यूअर आपके पास आएंगे चाहे वो 2 व्यूअर हो चाहे 4 व्यूअर हो, मान लीजिए आपकी कोई वीडियो वायरल हुई या किसी वीडियो पे 200 व्यूज आ गए, ठीक है, अब वो बंदा आपके चैनल को विजिट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है ना। जैसे ही वो आपके चैनल को विजिट करेगा होम पेज पर आपके मतलब चैनल के पेज पर इस तरीके से जब वीडियो रिकमेंड होगी बिल्कुल दिखाई जाएगी तो भैया वो क्या करेगा, अगर आपका थंबनेल अच्छा है क्लिकबेट थंबनेल है तो 100% वो बंदा इस वीडियो पे भी क्या करेगा, क्लिक करेगा और देखेगा। समझ गए, तो ये चीज करने से देखो आपके सामने मैंने दिखाया, ये देखिए इस वीडियो पे 10,000 व्यूज आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल ठप वीडियो थी, एक भी व्यूज नहीं था, 200 से 250 व्यूज था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको अपने चैनल पेज पे लगाया आप लोग देख सकते हैं व्यूज लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी ऑडियंस मेरे चैनल पे आ रही है वो इस वीडियो को भी देख रही है, क्योंकि वो चैनल को विजिट करती है, देखती है और जब उसको चैनल के पेज में इस तरीके का वीडियो दिखता है देन वो क्या करता है, इस वीडियो को भी देखता है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक भी ऐसा है, बिग यूट्यूबर स्मॉल यूट्यूबर ऐसा क्यों, जान लो वीडियो 100% वायरल होगा तो मतलब क्लिक बेट है, इस वजह से लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला तरीका तुमको ये करना है अपने चैनल पेज पर वीडियो सेट करनी है और ये वीडियो रेगुलर बदलते रहना है। मैंने क्या गलती की, इस वीडियो को जब से लगाया तब से लगी है, अब मैं क्या करूंगा, बदलूंगा वीडियो, बदलूंगा अपने चैनल पेज की वीडियो, हर हफ्ते बदलूंगा। इससे क्या होगा, मेरी जो पुरानी वीडियो है जिस पर इस समय बिल्कुल ठप पड़ी है, एक भी व्यूज नहीं आ रहा, उन वीडियो को जब मैं यहां पर लगाऊंगा तो यहां पर उसको व्यूज मिलेगा, उस वीडियो पे व्यूज आएगा और उस व्यूज से क्या फायदा होगा कि मेरी पुरानी वीडियो भी हो सकता है वायरल हो जाए, क्योंकि पहले मेरे पास में ऑडियंस नहीं थी लेकिन मैंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई, बट इस समय पर अगर मैं उसको बूस्ट कर पाता हूं इस तरीके से तो मेरी पुरानी वीडियो को भी यूट्यूब बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करेगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया किस तरीके से यूट्यूब पर वीडियो मेरी रिकमेंड हो रही है। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया, आई होप ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब एक तरीका और बता देता हूं, वो तरीका क्या है थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी कल की ही वीडियो यहाँ पर ओपन कर दी, यही वाली वीडियो ओपन कर दी। ठीक है, एक मिनट ऐड आ गया है, 2 मिनट रुक जाएगी दोस्तों। अब देखिए ये वीडियो मेरी स्टार्ट हो गई। ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ इस वीडियो को बिल्कुल एंड पे लेके चलता हूँ और ये जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो आप लोग देख सकते हैं, इनको ध्यान से देख लेना मेरे भाई। ये देखिए जैसे ही वीडियो खत्म हुई यहाँ पर एक वीडियो ये रिकमेंड हुई, एक वीडियो ये रिकमेंड हुई, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना मेरे भाई, तबाही लेवल की बात बताने वाला हूँ। आप लोग एक गलती करते हो जब अपने वीडियो को अपलोड कर देते हो, अपने वीडियो पे एंड स्क्रीन नहीं लगाते, ये बहुत बड़ी गलती है मैं बता रहा हूं, कान खोल के सुन लेना, एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो लगानी है। और एक बात ध्यान रखना, देखिए यहां पर मैंने जो एंड स्क्रीन लगाई है, यहां पर एक वीडियो लगाई है पुरानी और एक वीडियो लगाई है रिसेंटली, तो यहां पर आपको ये गेम खेलना है अपने एंड स्क्रीन पे, आपको अपने हर वीडियो पे एंड स्क्रीन पे वीडियो लगाना है और कोशिश करिए कि एंड स्क्रीन पर एक वीडियो रिसेंटली लगाइए जो रिसेंटली अपलोड हुई है और एक वीडियो ओल्ड लगाइए, हो सके तो आप लोग कई वीडियो यहां पर लगा सकते हैं, जैसे कि एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, मतलब 4-4 वीडियो को आप लोग अपने एंड स्क्रीन पे लगा सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, पुरानी वीडियो आपकी कोई है
है, आपने 7 महीने पहले अपलोड किए, उसमें व्यूज हैं 200, लेकिन इस समय आपके जो व्यूवर हैं वो मान लीजिए वीडियो आपके देख रहे हैं, तो अब इससे फायदा क्या होगा, जब आप एंड स्क्रीन पे वो पुरानी वीडियो लगाएंगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपको उस पुरानी वीडियो पे भी व्यूज आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एंड स्क्रीन से जा करके आपकी वीडियो देखते हैं, बात समझ गए, और हो सके तो आप उस वीडियो की बात कर दीजिए अपने वीडियो पे कि भैया मैंने वीडियो बनाई है 7 महीने पहले, आप इसको देख लीजिएगा, लास्ट में वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो ऑडियंस होगी वो आपके पुराने वीडियो पे जाएगी, बात समझ गए, उसको देखेगी, अगर वो वीडियो कायदे का हुआ तो उसको लाइक करेगी, सब्सक्राइब करेगी और कमेंट भी करेगी। अब जैसे जैसे पुरानी वीडियो पे आपके एंगेजमेंट बढ़ेगा तो यूट्यूब क्या समझेगा कि यार इसकी पुरानी वीडियो पे व्यूज आ रहा है, मतलब इसकी वीडियो में दम है, कोई ना कोई खासियत है इसके वीडियो पे, तो वो क्या करेगा, आपकी वीडियो को बूस्ट करेगा, लोगों को भेजेगा, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग अगर करते हैं तो मैं डंके की चोट पे खड़ा होकर कह सकता हूं आपके पुरानी वीडियो पे भी व्यूज आएगा, और ये रेगुलर कीजिए। अगर आपको ये लगता है ना कि 4 दिन करके छोड़ दें, नहीं, आप मेरी वीडियो को देखिए, पहले वीडियो से लेकर आज तक की हर वीडियो पे मैंने एंड स्क्रीन लगाई है और उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि आपके भाई का चैनल बहुत तेजी से बूस्ट हो रहा है, बात समझ गए ना, बहुत तेजी से बूस्ट हो रहा है। तो भैया ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तरीके से काम कर रहा हूं और वही तरीका तुमको बता रहा हूं, कोई फर्जी तरीका नहीं बताया कि SEO कर लो, थंबनेल बदल दो, टाइटल बदल दो, ना भाई ना, ये सब करने से कुछ ना होता, जो बता रहा हूं ना रिसेंटली इससे तुमको फायदा मिलने वाला है, तो उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा, इसको अप्लाई करो, कमेंट करके बताओ कि क्या तुम ये गलती कर रहे थे या नहीं, अगर कर रहे थे तो आज से गलती करना बंद कर दो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर कैसे आपको जेन्युइन तरीके से ग्रो होना है ये मैं आपको सिखाता हूं। आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूं उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।